हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो और फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारी बुआ लोग सब लोग बैठी हुई थी और यहाँ पे देखिए शादी की जो रस्में हैं वो चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ रेडी होके और यहाँ बैठी हुई हूँ, और हमारे साथ में हमारी बुआ हैं, चाची हैं, दीदी हैं, सब लोग हैं। और मैं जा रही हूँ उसमें शगुन होता है ना वो डालने के लिए, तो बस वहीं डालने जा रही थी। और यहाँ पे देखिए दूल्हा जो है वो नहा कर रेडी हो गया है, तो यहाँ पे मतलब सब लोग मौजूद हैं। तो ये है शादी के लड्डू, आप भी खा लीजिए। और यहाँ पे देखिए अब ये जीजा जी लोग हैं, दोनों लोग जो यहाँ पे साथ में आपको दिख रहे हैं खड़े, तो यहाँ पे ये लोग इनको सेहरा बांधेंगे, क्योंकि जो दूल्हे का सेहरा होता है ना वो मतलब जीजा लोग ही बांधते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दूल्हा जो है वो मतलब जो उनका ड्रेस है वो पहन लिए हैं और अब ये सेहरा बांध रहे हैं। तो सेहरा देखिए बांध रहे हैं, यहाँ पे हमारी तरफ यही सेहरा बांधते हैं। और उसके बाद मतलब ये शुभ होता है एक्चुअली में, मतलब दूल्हे का जो सेहरा होता है यही होता है। अब आजकल शेरवानी के साथ जो मतलब मुकुट चलता है वो तो अब ट्रेडिशन में बस ऐसे ही है, लेकिन असली जो दूल्हे का सेहरा होता है वो यही होता है हमारे यहाँ। तो अभी फ़िलहाल ये बांध दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा जी हैं, और यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब बेटे की जो माँ होती, मतलब दूल्हे की जो माँ होती है वो मतलब देखिए साथ में मेरी बुआ बैठी हुई है पीछे, और इमली घोटाई बोलते हैं इसको। बाकी इसमें क्या उसका लॉजिक है मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी। और लेकिन ये है कि यहाँ पे ये जो रस्म है इसका नाम है इमली घोटाई। तो 5 बार या 7 बार ऐसे होता है, बताशे और आम के पत्ते होते हैं उनको ऐसे दूल्हे के चारों तरफ घुमाते हैं हर बार, और मतलब आप देख ही रहे हैं। तो यही सब है। तो ये मेरे पापा जी हैं और बुआ जी को शगुन दिए हैं, और साथ में जो वो बैठी हैं सामने वो नाउन हैं तो उनको भी दिया जाता है। और ये हैं मेरे चाचा जी, तो सेम यही रिवाज जो मतलब रस्म है वो जैसे मेरे पापा जी ने किया वैसे ही चाचा जी भी कर रहे हैं, और सब लोग करते हैं। पहला जो स्टार्टिंग होता है इमली घोटाई वो पहले मतलब कि मामा से ही शुरुआत होती है, तो मामा जी से स्टार्ट हुआ, पापा जी मेरे बड़े हैं तो पहले वो किए, फिर चाचा जी कर रहे हैं, अब उसके बाद हमारी चाची जी आएंगी वो करेंगी, और मम्मी होती तो मम्मी भी करती। तो बस उसके बाद और जो लोग उसके बाद मतलब जो और मेंबर्स हैं वो लोग अब वन बाय वन आते हैं और इस तरह के जो ये रिवाज हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो देखिए इमली घोटाई हो गया है, अब आ गया है दूल्हा जो है रूम के अंदर। तो ये जिस रूम में जा रहे हैं इसे हम बोलते हैं कोहबर। तो फिलहाल इस रूम के अंदर मैं आप नहीं गई हूँ और वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाई। तो कोहबर बनाते हैं, वहीं पे पूजा होती है दूल्हे की, और जब दुल्हन आती है तो भी उसको साथ में बैठा के पूजा करते हैं, तो बस वहाँ से प्रणाम किया। आशीर्वाद लेने के बाद देखिए बारात जो है फ्रेंड्स वो घर से मतलब निकल रही है। तो घर से निकल रही है अभी बारात जो है वो विदा नहीं हुई है, अभी देखिए गांव है ना तो गांव में थोड़ा सा आगे तक चलते हैं, और एक मंदिर पड़ता है मतलब घर का जो गांव का मंदिर होता है ना मेन, तो वहां पे हम चलेंगे। तो देखिए ये मंदिर है, यहीं से अब बारात जो है विदा होगी। तो यहाँ पर पहले जो महादेव जी का मंदिर है ये, तो महादेव जी को यहाँ पर जो दूल्हा होता है वो आशीर्वाद लेगा, मतलब फैमिली के साथ उनकी जो मम्मी हैं और जो घर के बड़े हैं वो लोग जाएंगे साथ में और मंदिर में दर्शन करेंगे। और ये देखिए फोटोग्राफी वाले भैया लोग हैं जो मंदिर के बाहर जो हैं वो खड़े हैं, और ये गुड़िया रानी को देखिए कितना रो रही है। तो बच्चे जो हैं भीड़ भाड़ में काफ़ी मतलब परेशान हो जाते हैं। और ये देखिए ये कुआं है फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर ही बना हुआ है। तो देखिए दूल्हा जो है वो दर्शन करके महादेव जी का आ रहे हैं बाहर, और साथ में जो है फ्रेंड्स वो भाभी हैं, इनकी बड़ी भाभी हैं, तो वो आ रही हैं और उनको दर्शन कराने के लिए ले गई थी। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे जो देखिए बारात में नाच रहे हैं लोग, मतलब अभी विदाई होने वाली है दूल्हे की, अभी दूल्हा जो है जाने वाला है, तो यहाँ पे जो है उनकी विदाई चल रही है। तो यहाँ पे देखिए नाच गाना जो है बहुत हो रहा है, बहुत नाचने के वाले बहुत थे यहाँ पे, मतलब शौकीन इतने हैं गाँव में लोग डांस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, फिर भी मतलब काफ़ी लेट हो गया था तो बोला गया कि अब भैया चलो अब बस करो नाच गाना। तो अब देखिए हम लोग डायरेक्ट
जो है फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो जो है मैंने वहाँ पे लिए जहाँ पे मतलब लड़की के यहाँ आ गए हम लोग और अभी नाश्ता पानी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग जुटे हुए हैं, हमारे मायके के लोग यहाँ पे हैं सब लोग। तो ये मायके की शादी है तो ऑब्वियसली मायके वाले लोग ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जीजा जी भी, हमारे दीदी हैं, चाची हैं, बहन लोग हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ भी है क्योंकि यहाँ पे घराती और बराती जो हैं दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो घराती वालों को तो हम जानते ही हैं कुछ लोगों को, और बराती तो हम हैं ही। और यहाँ पे देखिए अब नाश्ता पानी करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं लड़की के घर जहाँ पे द्वार पूजा लगेगी। तो हम लोग बारात में शामिल हो गए और हवा देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चल रही है। हवा जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी, वैसे तो उस दिन बहुत गर्म था लेकिन शाम को हवा बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि खेत खलिहान है ना, तो खेत खलिहान में तो हवा वैसी भी अच्छी चलती है। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं और दूल्हे को देखिए कैसे ला रहे हैं दुल्हन के भाई लोग ऐसे गोद में उठा के। तो ये है एक अद्भुत मतलब अद्भुत स्वागत बोल सकते हैं जो कि लाइफ में एक ही बार आता है दूल्हे के भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे आ गए हैं दूल्हे राजा, अब इनको बैठाया जाएगा और फिर होगी पूजा, द्वार पूजा। तो द्वार पूजा की बहुत सारी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि हम लोग वीडियो आते हैं ना तो फिर मतलब ऐसे समझ में नहीं आता, गप्पे सप्पे इतने सारे लगते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं कि बातों में मतलब ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ वीडियो भी बनाना, और मन भी नहीं करता। तो बस फ्रेंड्स यहीं तक अपनी वीडियो को मैंने रखा है और वीडियो को एंड करती हूँ। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।